शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। ओ आज मौसम कितना बढ़िया नहीं। ओ मुझे ना जी ये शाम का मौसम बड़ा पसंद है जी। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, यही पसंद है मुझे तो। जो कहना है डायरेक्ट कहो, ये घुमा फिरा के बातें मत करो। आई लव यू। क्या क्या कहा तुमने? लो इतनी पास बैठे तुमने सुना नहीं? आई लव यू। तुझे पता है ना कि मेरी शादी तेरे दोस्त शेर सिंह से होने वाली थी और तू मुझे आके आई लव यू बोल रहा है। आई लव यू का मतलब भी पता है तुझे? ओ क्या बात कर रही हो जी, आपको आई लव यू का मतलब नहीं पता? देखो कोमल, बंदा चाहे मैं टेढ़ा मेढ़ा और बातें जैसे मर्जी करता हूँ, लेकिन करता हूँ बिल्कुल सीधी मुंह पे। जिस दिन मैंने तुम्हें पहले दिन देखा था ना स्कूटर से उतरते हुए, ऑटो से आई थी मैं। हाँ हाँ वही जी, तो तुम उसी दिन से मेरे दिल में उतर गई हो। और मैंने तो जी सपने में तुम्हारे साथ गाने भी गा लिए, इलू इलू क्या है। और मैंने तो जी शादी का प्लान भी बना लिया है। शादी के बाद जी पहले हम जाएंगे वैष्णो देवी और उसके बाद जाएंगे पटनी टॉप, क्योंकि पत्नी होती है वो टॉप पे होती है, तो मैं पटनी टॉप जाऊंगा। और मेरा फॉरन का बजट भी नहीं है जी। और जब तक हम जवान है ना जी, तब तक ना हम बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता लगा है जब बच्चे होते ना जी तब पति पत्नी का प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है जी। इतना सब कुछ तूने मेरी परमिशन के बिना सोच लिया? ओ क्या बात कर रहे हो जी, सोचने के लिए परमिशन थोड़ी लेनी पड़ती है जी। लेकिन करने की तो लगती है ना। तो दे दो तो मैं बहुत खुश रखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने शेरू वाली बात अंकल को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तो प्यार करने वालों का दिल और घर नहीं तोड़ सकती थी। ओए होए मर जावा गुड़ खा के। ओ तुम तो सुंदर के साथ समझदार भी हो, तुमने कुछ करवा के मानोगी? एक जफी हो जाए। शेरू और प्रीति की शादी हो चुकी है और तुम्हारे लिए मैं हूं ना शेरू। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी आंख में धूल झोंकी है, बेवकूफ बनाया है मुझे। तुम्हें क्या लगता था कि मेरे मरने तक मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे? अपने ये नाटक से झूठ पर झूठ बोलते रहोगे? अरे ये तो मेरे अपने नहीं है, लेकिन तू तो मेरा खून है, मेरा अपना, मेरी औलाद। बाप को ही चूना लगा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं डैडी जी आप? मैं और प्रीति एक दूसरे से लव करते हैं और आप तो हमेशा से लव मैरिज के खिलाफ रहे हो ना, तो हमने आपको बिना बताए वो कोर्ट में शादी कर ली थी। डैडी जी मैं माता रानी की कसम खा के कह रहा हूं, मैं डर गया था, इसलिए उस डर के चक्कर में आपको सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो झूठ बोलने का हौसला कहां से आ गया? हाँ भाई, मैं आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला आदमी हूं, मगर लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूं और हमेशा रहूंगा। यह शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा, कि जब मर्जी आए खेल लिया और हम बजाते रहे ताली। मुझे तुम्हारी यह झूठी शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। तेरी शादी तो वहीं होगी जहां मैंने तेरा रिश्ता तय किया है। तेरी दुल्हन सिर्फ कोमल बनेगी, कोई इसकी जगह नहीं ले सकता। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात तेरी खोपड़ी में घुस गई होगी। चुप! हाँ ऐसी ही थोड़ी थकान हो गई थी। बाबूजी मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। बाबूजी आप प्रीति को गलत समझ रहे हैं, और वैसे भी ये दोनों अपना घर बसा चुके हैं और बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। इसने तुझ पर कोई जादू टोना कर दिया जो इसकी साइड ले रही है तू? बाबूजी कोई जादू नहीं किया है, बस प्यार का मतलब समझाया है। ये प्यार व्यार लव सब कुछ नहीं होता, सब बेकार है, लोग जिंदगी बर्बाद करते हैं अपनी। बाबूजी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ?
वो कौन सी वजह है जिस वजह से आप प्यार से, प्यार करने वालों से, लव मैरिजेस, इन सब से नफरत करते हैं? एक नहीं, कई वजह हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो वजह गलत फहमी हो। गलत फहमी सुनना चाहती हो तो सुनो। शादी से पहले मैंने भी प्यार किया था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और डोली में किसी और की जा बैठी। जब मुझे उसकी शादी की खबर मिली तो मैं तड़प उठा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। छाती ठोक कर शादी के मंडप में पहुंच गया और चिल्लाकर कहा कि नहीं, यह शादी गलत है, क्योंकि मैं और अलका एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि मुझे यकीन था कि वो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आएगी। जानती उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानती, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मुझे अपने आप से नफरत हो गई और अपना टूटा हुआ दिल लेकर मैं वापस लौट आया। फिर मेरे माँ बाप ने जो लड़की पसंद की, मैंने हाँ कह दी। बब्बू की माँ ने जिंदगी भर मेरा साथ निभाया। मैं बब्बू के लिए ऐसी लड़की चाहता हूं जो जिंदगी भर उसका साथ निभाए, ये चार दिन का प्यार व्यार करके उसे छोड़ ना जाए। इसलिए मुझे प्यार से नफरत है, लव मैरिज से नफरत है, नफरत करता हूं मैं। हो सकता है जिसे आप धोखा समझ रहे हो वो गलत फहमी हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ऐसी कोई मजबूरी जो वो आपसे बांट ना पा रही हो। बाबूजी, एक लड़की अपने माँ बाप की इज्जत होती है, वो खुद को तो कुर्बान कर देती है लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत पर आंच तक नहीं आने देती। शायद ऐसी किसी वजह से उसने अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया हो। बाबूजी, सोचिए, अगर आपकी बेटी होती वो आपकी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कुछ करती तो बाबूजी, आपकी इज्जत मेरी खुशियों से बढ़कर है। मैं आपकी बहू ने आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूं। मानती हूं हमसे गलती हुई है, हमने आपको बिना बताए लव मैरिज कर ली। बाबूजी, हम भी तो बच्चे हैं ना, और आप बड़े। अगर आप बड़े हमें माफ नहीं करेंगे तो बाबूजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। प्लीज बाबूजी, माफ करें। प्लीज बाबूजी, मान जाइए। और आपको प्रीति ने कहा ना कि वो आपके शेर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और जहां तक रही मेरी खुशी की बात, मैं बहुत खुश हूं इन्हें देखकर। ऐसे मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ बाबूजी, जिंदगी भर के लिए। चुप हो जाओ। लेकिन मुझे अपनी शादी में ना बुलाकर जो तुमने गुनाह किया है उसका हर्जाना दोबारा शादी करके देना होगा। खुश रहो मेरी बच्चियों। ओ भाई, सब सेट हो गया। मैं तो कह रहा हूँ सारा दिमाग से बोझ उतर गया। शेरू भाई मुबारक हो मेरे भाई। मंडी भाई तेरे को भी मुबारक हो। ओ मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, तीनों भाई मिलके पंडित से सेटिंग करते हैं, फिर तीनों एक ही मंडप में शादी कर लेंगे। बाय गॉड, पैसे भी बच जाएंगे। तीनों? अबे तुम दोनों के पास तो लड़कियां हैं, मैं क्या पंडित के साथ साथ फेर लूंगा क्या? अबे तो तेरे पास भी तो गुंजन है। है तो बंटी, उसको ये पता है कि प्रीति मेरी बीवी है, तो वो कैसे मुझसे शादी करेगी? ओ तो भाई डिवोर्स ले ले प्रीति भाभी से। प्रॉब्लम क्या है? अबे घूस के पकोड़े, जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं डिवोर्स कैसे ले लूं? अरे यार, तुम मिल के बता देते हैं। हाँ यार, कैसे मिल लूं यार, उसका फोन भी बंद जा रहा और मिल भी नहीं रही है यार। वो तो भाई किडनैप कर लेते हैं, फिर आपने सामने बैठ के बता दियो जो बताना है कि नहीं? क्या हुआ, क्या कमाल का आइडिया दिया यार तूने। अरे यार बंटी यार, पर एक बात बता।
हम किडनैप करेंगे कैसे? अबे खुजा रहा है, सोच रहा है दोनों। यही सब करते रहना, कोई प्यार व्यार नहीं करते आप मेरे से। आपकी नजर में मेरे आंसुओं की कोई वैल्यू ही नहीं रही अब। नहीं नहीं ऐसा मत बोल। तो और क्या करूं मैं? अरे सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, एक रावण था जिसने अपनी बहन की इज्जत की खातिर इतना बड़ा युद्ध कर डाला, और एक आप हो, आपसे तो ठीक से एक्सरसाइज तक नहीं होती है। कितने सारे पहलवान पाल रखे लेकिन अकल एक में भी नहीं है, सबके सब गधे हैं गधे। एक लड़की तो अगवा हुई नहीं उनसे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तुझे कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करना है मुझे करना है, और मैंने सोच लिया है। और क्या करोगे आप? हेलो इंस्पेक्टर, मैं प्रीति को किडनैप करने जा रहा हूँ, तुझमें हिम्मत है तो रोक ले। अब तू पूछेगा प्रीति कौन है, तो मेरा आदमी मैसेज के साथ सारी डिटेल तुझे भेज देगा, और मैं साथ में सेल्फी। ये ठीक है। तिवारी, अब ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही? घर की चाबी से स्टार्ट कर रहा है क्या? अरे बिना तेल के तो कोई गाड़ी अपनी चाबी से स्टार्ट नहीं होगी सर। तो कौन पी गया तेल फिर? बिल्ली। अरे सर, तिवारी जी गए थे ना अपनी बिल्ली, मेरा मतलब है गर्लफ्रेंड को लेकर घुमाने। सर मैं तो छोटी सी ड्राइव पे गया था सर। गर्लफ्रेंड के साथ सर? सर वो लॉन्ग ड्राइव की जिद करने लगी। सर डीजल इन्होंने डलवाया नहीं। सर आपको पता है कांस्टेबल की तो कोई सुनता नहीं। सर सरकारी पैसे पे मौज कराए। तो मैं मजबूरी में चला गया सर। चुप चुप चुप, जल्दी चलो। अच्छा रुको, गुंजन आने वाली है, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। अब प्रीति तुम गुंजन को संभाल लोगी? हाँ मैं अभी आती हूँ। नहीं कोमल, कोमल रुको, कोमल तुम संभाल लेना। मैं क्या संभालू, कैसे संभालू? हे भगवान। भैया मैंने ना प्रीति को यही बुलाया है, बस अब आज कोई गलती मत करना प्लीज। ना 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 ना, तू कतई चिंता ही मत कर। सुनो सब लोग, कोई गलती नहीं करना, सीधा चलना। भाई मेरे को पूरी पक्की रिपोर्ट मिली है कि गुंजन और प्रीति यही मिलने वाले हैं, गुंजन को सब सच बताने के लिए। अरे यार इस बार हम कोई गलती नहीं कर सकते, वो किसी की नहीं सुनने वाली, उसको किडनैप ही करना होगा यार। सही कह रहा है। अबे भाई ये तो उबली हुई लग रही है, आज तेरे को गला देगी भाई। अरे यार ये कब उबली हुई नहीं होती, तू मुंह बंद रख, नजरें कड़ाई रख, जैसे मौका मिलेगा ना हम इसको उठा लेंगे। हाँ। चलो चलो, यही है ना, यही है ना, यही है। हाय प्रीति। कौन प्रीति? क्या हाल है? कौन प्रीति? चल चल पकड़ पकड़, इसको खा ले। आराम आराम आराम। क्या अरे हो गया, निकल गई भड़ास। अब ये बात हम लोगों के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? अब जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, निकल लो। चल भाई चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। भाई मजबूरी में रिजाइन करना पड़ा, बट अब मैं ज्वाइन हूँ। ये सब कहाँ गए? वो सब पतली गली से भाग गए। पतली गली सोने खाओ हमारा, बजाओ किसी दूसरे का सालो, अब तुम्हारी बजाएंगे हम बैंड। इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाया है, मैं इसका खून पी जाऊंगा। आराम से चलना इधर। भाई उठा लो इसे। तेरे की ये तो ऐसी जगह चली गई जहाँ मर जाती, जाने ही मना है। इतनी मुश्किल से इस प्रीति की बच्ची को ढूंढा था, पता नहीं भैया कहाँ गए।
गुंजन मेरी बात तो सुनो यार। शेरू यार तू ही समझा इसको। देख गुंजन बात कुछ नहीं सुनना मुझे, मुझे पता है तुम्हारा और प्रीति का चक्कर चल रहा है। अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे नहीं नहीं खुशखबरी खुशखबरी। हां जी चलो जुड़वा है जी। ये तो हद ही हो गई यार, साला मैंने आज तक कभी किसी का इतना इंतजार नहीं किया। बेवकूफ। अब चाहे ये लेडीज टॉयलेट ही क्यों ना हो, मुझे कौन सा हल्का होना है, मुझे तो अंदर जाना है। चलो खड़े रहना बाहर, और कोई मुसीबत पड़े तो तुरंत आना। अरे अरे सर यहाँ तो हेलमेट पहनते ही ओले पड़ गए। चालान कटेगा आज? किस लिए चालान है? हमने कौन सा ट्रैफिक रूल तोड़ा है? साइकिल एक की सवार है, दो या तीन की नहीं, ऊपर से तीनों ने हेलमेट पहना हुआ है। पेपर दिखाओ साइकिल के। लेके आया मनु? होते हैं। सुनो तू। अरे सर मैंने आज तक कभी गाड़ी के पेपर नहीं रखे, साइकिल के पेपर क्या रखूंगा सर? बिल्कुल सही, मान जाओ ना जान। सर मेरा मतलब है ऑफिसर, आज हमने सेल्फी डॉन को पकड़ने जाना है और हमारे पास आखिरी चांस है, प्लीज जाने दो, जाने दो ना, जाने दो ना। एक्स भाभी जी आप हमें भूल गई, हम तो आपकी शादी और डाइवोर्स दोनों में आए थे, कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा आपको। बादाम छुआरे खाने शुरू करो इंस्पेक्टर, जब दिमाग चलने लगेगा तब पता लगेगा कि सेल्फी डॉन को समझना इजी से भी आसान है। चलो सर। अरे क्या निकल गया सर, सिर मेरे हाथ से निकल गया। अरे मेरा प्रमोशन नहीं था कि सब मेरे हाथ से निकल गया, निकल गया। अरे सब निकल गया। निकल तो मैं भी गई तुम्हारे हाथ से। हैं? अरे यार उसको उठा यार, इसको बिठा यार। गोगो हड्डियां आ रही हैं इसकी, बिठाई से। ओ यार इसको नेट में बांधने का आइडिया किसका था? अबे यार गर्लफ्रेंड है मेरी, बोरी में सांस घुटिया था तो है ये बता। गुंजन गुंजन यार ये उठ क्यों नहीं रही है यार? ओ भाई ये मर तो नहीं गई? हाँ? ओ यार तू मुझे ऐसे को घूरता है? हाँ? तू जब मुझे घूरता है ना मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया है। यार बंटी सांस नहीं ले रही है, डॉक्टर को बुलाएं? ओ नहीं नहीं किसी को नहीं। हेलो मुझे पहचान, मैं हूँ कौन? अबे तू क्या मुर्दा घर की लाश है जो तुझे पहचानूं? काम बोल। साले मुर्दा होने की तो अब बारी तेरी है, मैंने तेरी बीबी का किडनैप कर लिया है ये। अबे तेरे बाप ने क्या अपनी बेटी की शादी कराई थी मुझसे? हाँ फोन रख। अबे किससे बहस कर रहा था? लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है। हा? भाई मैं लगाऊं? मेरा बज गया। हेलो मैंने तेरी बीबी को उठा लिया है। ओ भाई किसकी बीबी उठा ला है भाई तू है? तेरी। ओ मुझे तो गर्लफ्रेंड ही दो दिन पहले मिली है। हैं? फोन रख या दू गाली। तू ये काम कर, तू गाली देके फोन काट दे। पहले नंबर लगाया तो रॉन्ग पर्सन का नंबर लगाया, तुम्हारे इन बालों के साथ ये भी सब गायब हो चुका है क्या? इब्राहिम जी भाई सही नंबर लगवा के दो। ओए अब मेरा फोन बज रहा है। हेलो कौन? फिर साले पूछा कौन 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 करके मेरी तीन कॉल्स खराब कर दी। अरे मैं हूं डॉन, सेल्फी डॉन। ओ, 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 जो मशहूर सेल्फी डॉन जो 11 मुल्कों के पुलिस स्टेशन में अपनी सेल्फी भेजता है, भाई उसका फोन है। तुझे? वाह मेरे शेर तूने मुझे पहचान लिया। ओ यार इसे तो मेरा नाम भी पता है, कह रहे शेर। हाँ जी हाँ जी मैं शेरू बोल रहा हूँ। अरे मुझे तेरा नाम भी पता है, तेरी बीबी का भी नाम पता है, प्रीति, जिसको मैंने उठा लिया है। तूने तूने प्रीति को किडनैप कर लिया? उसे छोड़ दे वरना मैं आके ना मैं आके ना मैंने तेरा मोबाइल तोड़ देना, मैं बता रहा हूँ। प्रीति को कुछ मत करियो। अरे ये डॉन की बहन है, उसको बोल तेरी बहन हमारे पास है। साले तूने बताया नहीं ये डॉन की बहन है, मारू तेरे को मुक्का। अरे बताया तो सही। और सुनो ए डॉन, अगर तूने प्रीति को कब्जे में किया है ना तो हमने तेरी बहन को किडनैप करके रखा हुआ है। अगर ये बात मार्केट में पता चल गई ना तो सोच ले तेरी कितनी बेइज्जती खराब होनी है। साले तूने मेरी बहन को किडनैप किया, साले छोड़ूंगा नहीं तुझे, फोन घुस के मारूंगा। लेकिन मैं एक बात से बहुत खुश हूँ कि तूने सेल्फी डॉन से पंगा लिया। चल इस बात पे डील करते हैं, तू मुझे मेरी बहन वापस कर दे, मैं तुझे तेरी बीबी वापस करता हूँ। बोल सौदा मंजूर है? डीलिंग कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहन को दे जाओ और प्रीति को ले जाओ। अबे डन यार। हाँ हाँ मंजूर है। लेकिन सुन ले प्रीति को कुछ नहीं होना चाहिए। गुंजन को भी कुछ नहीं होना चाहिए,
बहन सेल्फी डॉन की है। कट गया। चल भाई चले इसको। ए सेल्फी मोड लगा। वाह भाई। भाई। आ गई आ गई आ गई। सेल्फी डॉन की सेल्फी आ गई और उसके क्राइम की प्लानिंग की पूरी रिपोर्ट भी आ गई है। तिवारी गाड़ी निकालो। यस सर। सेल्फी डॉन की सेल्फी लेके रहूंगा। कुछ तो गड़बड़ है, हमें इनका पीछा करना पड़ेगा। चलो भाई चल चल चल। कहाँ था तू? अरे यार, और ये क्या होलिया बना रखा है? अरे तो होलिया तो चेंज करूंगा ना। आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय सेल्फ। किसी ने पकड़ लिया तो? अबे गोली किसी का होलिया नहीं पूछती। तूने इसके भाई को फोन किया या नहीं किया यार? ओ, मैं इसके भाई को फोन क्यों करूंगा? डॉन। ओ डॉन। हां डॉन को तो फोन करना पड़ेगा। हां सर। क्या सर? अबे आए बे तू। अरे मैं वहीं खड़ा हूं जहां मैंने तुझे बुलाया था। ओ हम भी तो यहीं हैं। तू कहां है? इतने सारे। अबे इनमें से डॉन कौन है? ओए छोड़ा करे। मुझे सेल्फी डॉन की सेल्फी चाहिए और उससे पहले किसी ने कुछ भी हरकत की मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे सर खत्म ही कर दो ना इस साले का टंटा। गुंजन ओ भाइयों ये सेंटी बातें बंद कर। हाँ हम यहाँ से तेरी बहन को भेजेंगे और तू वहां से मेरी टुट्टू को भेज। हाँ हाँ। ए तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? जो भी डिसाइड करूंगा मैं करूंगा। तू मेरी बहन को वहां से भेज, मैं तेरी बहन को यहाँ से भेजता हूँ। अबे तो वही तो कह रहा था। ये डॉन है? अबे इसको तो सर्कस में होना चाहिए था। बच्चों का एंटरटेनमेंट। चल चल भेज भेज। हाँ। भेज। चल चल जाग जाओ अब। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। भाई मुझे नहीं लगता तेरी वाली पलटने वाली है। अरे नहीं पलटेगी यार। तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रीति तुम्हें पता है। अरे ओए क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? रुक यार। अरे पागल हो गई हो क्या? रुक बाबूजी। हाँ हाँ चलो चलो चलो। साले तुम लोग इधर बैठ गए, बारात में आए हो क्या? पकड़ो। हाँ बस पकड़ो। साले इधर आके बराती बन गए, लड्डू खिलवाता हूँ तुम्हें। मैं किधर जाऊँ सर? फिर फोटो के चक्कर में लग गया आप। सर पकड़ो ना सर, भाग रहा है सर वो। अरे सर सिर्फ डॉन नहीं भागा, आपकी नौकरी आपका मेडल सब भाग गया सर। ये भी दौड़ गया, बीवी भी दौड़ गई, मैं क्या करूं? अरे करो सर। मेरी बात तो सुनो। पकड़ो साला को। पकड़ पकड़ अबे पकड़ इसको। पकड़ पकड़। अबे साले इसका इंजन किधर है?
बॉस उधर बॉस उधर बॉस ओ मेरी माँ बात सुन उसका और पिटिया को चक्कर नहीं है यार मैंने इसको मार दिया भागो भागो अबे वो रहा सेल्फी डॉन कहाँ है अबे वो रहा अरे कहाँ है अबे वो रहा साले अबे तूने कभी डड्डू पे डड्डू देखा नहीं वो देख अबे हमें क्या बचाओ अरे चुन्नू मनु सर हमें झूला हमें भी झूला झूला सर गुड मॉर्निंग सर 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 एक राइट सर सर एक राइट अबे 26 जनवरी देख रहे हो क्या अभी कुछ गड़बड़ है यार अरे बचाओ मुझे बंद करो बचालो अभी बंद कर बंद करना बंद कर उसे बंद कर जल्दी जल्दी बंद कर बंद कर अरे तेज कर दिया तूने अबे कितनी तेज कर दिया ये अबे तार निकाल अबे पांडे जी शहीद हो जाएंगे फिर अबे तिवारी तिवारी नहीं बीमारी है चले कहीं मरे कहीं भूत हो हमारे ऊपर आ जाते हैं आदमियों को पकड़ना चाहिए मुझे मुझे पकड़ने लगते हैं क्या ये क्या अबे 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 कोई कोई बात सॉरी गाइस सर कोई बात सॉरी इसको जिंदा मेरे हवाले करो रुक जा रुक जा तूने मेरी बहन को धोखा दिया अब तुझे तो मारना ही पड़ेगा लेकिन ऊपर जाने से पहले दीवार पे फोटो टंगने के लिए सेल्फी तो बनती है ना ए सेल्फी लो चलो भाई सेल्फी लोड करो ला 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 यस खींचो आराम से अपनी पोजीशन लो साले सबसे आगे मुझे रखना पकड़ अरे वो गया काम खत्म हो गया तो फिर क्या चलो बैठते तुम्हारे भाई जाओ सालो अपनी शक्ल मत दिखाओ जाओ जाओ भाई भाई
फुलवा मेरे बिना कितनी कमजोर हो गई हो। मैं भी तो तुम्हें फाटक पर जबरदस्ती रोका करती थी तुम्हें देखने के लिए। मैं भी वादा करता हूं कि जिंदगी भर अब तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैडम का ध्यान रखना। डार्लिंग मैं अभी गया और उस सेल्फी ड्रोन को पकड़ के लाया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये 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 क्या हुआ? इसे तो मैं वजन से ही मार दूंगा। जंपिंग। एक मिनट। शादी भी कर ली और गोगो ने मेरे गुस्से से बचने के लिए मेरे डर से बचने के लिए इसको गोगो की बीवी बना दिया जबकि ये गोगो गोगो की भाभी है। बाबूजी बाबूजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये गोगो की भाभी है। अच्छा तो ये बात है। I'm really sorry, प्रीति। पता नहीं ये सब गलतफहमी के चक्कर में मैंने उन लोगों को कितने थप्पड़ मार दिए। मुझे याद है। अच्छा तूने बताया नहीं मुझे। तब तो ना बेटा तुझे भी उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कहाँ ये गधे लोग। ए गोगो इधर। बेटा ये गुंजन तुझसे कुछ बोलना चाहती है। अरे अंकल जी ये बोलती का है। सॉरी गोगो मुझे ना बाबूजी ने सब कुछ बता दिया है। अब मेरी सारी गलत फहमी क्लियर हो गई है। अब समझ आया। अब चलो देर है दुरुस्त आए। बाबूजी का आशीर्वाद लो। ये ऐसे नहीं झुकेगा। ए लगा बेटा लगा इसको। शाबाश 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 चलो 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 बेटा। कितने अच्छे लग रहे हो यार। बाकी उल्लू के पट्टे कहाँ हैं? छोड़ दो उनको, छोड़ दो मार दो गोली। पकड़ ले कर ले। आ जा। अरे भाई आ जा बेटा। देखो बेटा ये गोगो और गुंजन का मामला तो सेट हो गया और तूने बेटा तो पहले ही मामला सेट कर लिया। और तेरी सेटिंग का क्या करें यार? ओ नहीं जी नहीं मेरी भी हो गई सेटिंग। कहाँ? ओ ये है ना कोमल जी। कोमल ओ भाई ये कब हुआ यार? ओ डैडी ये आपको इसकी इतनी ज्यादा चिंता है? मेरे हनीमून की चिंता नहीं है? तो पहले अपने मून के पास तो आ फिर तेरा हनीमून करवाता हूँ मैं। उल्लू के बैठे आ जा चला जा भाई। अंकल जी हमें आशीर्वाद दो जी। डिंग 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 हैंड्स अप। अरे सर एक मिनट। अरे सर ये डॉन है कि डॉन का बच्चा है? So cute. अबे तुम लोग कहाँ थे? कितने दिनों से तुम्हें मैसेज भेज रहा हूँ सेल्फी खींचने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मेरी सेल्फी टूट गई तुम्हारे पास? हाँ ला 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 ला। I can't believe my luck. बढ़िया तुम लोग पोज बना 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 बना। ये क्या कर रहे हो? मुझे मेरी बहन से मिलना है उससे तुम्हें लेने दो कम से कम। ये जी बहन को हम जेल में भेज देंगे। चलिए सुनो सॉरी नूनू। माता रानी बज गई बैंड।